भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। बयान घाटी के युद्ध में आपको पता होगा कि वो झड़प कैसे हुई। वो झड़प हुई हाथों से, मुक्कों से, लातों से और कुछ ऐसे वेपनों से जैसे लाइक डंडा हो गया। हाँ, और डंडे में चीनी सैनिक डंडे में कोई तार बांध के ले आए थे, अटकड़ी टाइप। हाँ, उससे झड़प हुई। कोई भी फायर आर्म एक्टिविटी नहीं हुई वहां पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन 1993 एंड इन 1996 भारत और चीन में जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें साफ साफ, पहले मैं 1993 के एग्रीमेंट की आपसे चर्चा करा देता हूँ। 1993 के एग्रीमेंट में यह साइन हुआ था कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे की सीमाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे, और अगर उल्लंघन किया, जैसे कि भारतीय सैनिक चीन के लैंड पे चला गया, तो फिर चीनी सैनिकों को सिर्फ इतना बोलना है, यहाँ क्यों आ रहे हो? तो और फिर बस इतने ही लाइन से वो जो भारतीय सैनिक है उसको वापस मुड़ जाना है। हाँ, एक तो ये, और दूसरा, दोनों सैनिक जो है, भारत जो है चीन की माटी की भी रिस्पेक्ट करेगा और चीन जो है भारत की माटी की भी रिस्पेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे देश की माटी की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भेदभाव की भावना अपने दिल में, अपने मन में नहीं रखेंगे। ये बहुत मोटा मोटी बात हुआ था उस एग्रीमेंट में। तो चलिए, हमारा जो मेन एग्रीमेंट है गलवान घाटी से जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है वो है 1996 का, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ था? उस एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि कभी भी जब भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर में पेट्रोलिंग कर रही होगी, तब न भारतीय सैनिकों के पास ना चीन के सैनिकों के पास फायर आर्म्स होंगे या फिर ब्लास्ट वेपन होंगे। फायर आर्म्स मतलब गन, चाहे वो हैवी वेट हो या लो वेट हो या हाई वेट हो, ओके, लाइक पिस्टल या लाइक AK-47, कुछ भी फायर आर्म्स नहीं होने चाहिए, और ना ब्लास्ट वेपन लाइक ग्रेनेड, वो ऐसे करके फेंकते हैं ना, वो वाला भी नहीं होना चाहिए, ना भारतीय सैनिकों के पास ना चीन के सैनिकों के पास। तो उसी चीज को दायरे में रखते हुए गलवान घाटी की झड़प हुई। तो अब कुछ पप्पुओं द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि भारतीय सैनिकों के पास गलवान घाटी के झड़प में गन्स क्यों नहीं थे, फायर आर्म ब्लास्ट वेपन्स क्यों नहीं थे। माफी चाहता हूं कि मैं 13 साल का हूं और 50 साल उम्र वाली बातें करता हूं, लेकिन आप खुद बताइए, हमारे देश में एक नागरिक है जो 50 साल का होके 10 साल की बातें करता है, तो अब मेरा तो फर्ज बन जाता है कि मैं 13 साल का होके 50 साल की बातें करूं, क्यों? तो बस आज मैं वही बातें कर रहा हूं। देखिए, अच्छा, और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ये जिस समय एग्रीमेंट साइन हुआ, भारत में रूलिंग पार्टी कौन थी? भारत में रूलिंग पार्टी थी SD देवगौड़ा की, वही SD देवगौड़ा जो अपने सपने में भी सो जाते थे, आप सबको मालूम होगा। हाँ, और वो जो एग्रीमेंट था उसको सपोर्ट कौन सी पार्टी कर रही थी? उसको सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस पार्टी। और आप सबको मालूम होगा, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका मतलब वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं तो उनको इतना तो पता ही होना चाहिए कि उनकी पार्टी ने कौन से ईयर में कब कब कौन सा एग्रीमेंट साइन किया, और हमारे किस देशों से हमारी दोस्ती है, क्या क्या हमने पहले अपने कांड कर रखे हैं। इतना तो पता ही होना चाहिए किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को कि हमने पास्ट में क्या किया हुआ है, क्या एग्रीमेंट साइन है। अब 1996 का जो एग्रीमेंट था वो कांग्रेस सरकार द्वारा ही सपोर्टेड किया जा रहा था SD देवगौड़ा को। तो जब कांग्रेस ही समर्थन कर रही थी इस एग्रीमेंट का, और क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के ही नेता है, तो उनको तो इतनी बात पता ही होनी चाहिए थी कि इंडिया चीन जब झड़प हो रही थी गलवान घाटी में, तो फिर फायर आर्म्स क्यों नहीं उठाए गए? उनको तो ये पता ही होना चाहिए था कि 1996 में समझौता हुआ था, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ हाथापाई हुई, मुक्काबाजी चली, इसलिए फायर आर्म्स नहीं उठाए गए। ये अगर यही देश का हाल रहेगा, ऐसे ही नेता आते रहेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, देश का फ्यूचर जो है पूरा का पूरा नाली में जा रहा है, कचड़े में जा रहा है।